स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपने किसी भी सैमसंग वाले डिवाइस में फ्रेंड्स आपको अपना ऑटो चेंज वॉलपेपर कैसे सेट करना है। फ्रेंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या होगा, ईजिली सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद गाइस आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गैस आपको दिख जाएगा यहाँ पे ग्लेंस ऑन सैमसंग। देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे नन है। फ्रेंड्स आपको इजीली करना है इसको, इस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आपको एप्ली पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स आपको बैक चले जाना। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका ऑटो चेंज वॉलपेपर सेट हो चुका है आपके लॉक स्क्रीन में। मैं फ़ोन को फ्रेंड्स बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए फ्रेंड्स आपका वॉलपेपर है अभी ये फिलहाल। देखिए फ्रेंड्स दूसरा वॉलपेपर आपका ये आ चुका है, मतलब इसका मतलब है फ्रेंड्स आपका ऑटो चेंज वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।